गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी करेंगे। आई होप आप मेरी साउंड से आपको पता लग गया होगा कि कौन टीच कर रहा है आपको, ठीक है। आज हम कर रहे हैं हमारी मैं और मेरा व्याकरण, क्लास फोर्थ, पेज नंबर 10। इसका जो आपको लेसन मैम ने करवा दिया था, इसका बुक वर्क पेंडिंग था, तो बुक वर्क आज मैं आपको करवा रही हूँ। भाषा के दो रूप मौखिक और डैश होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। तो फर्स्ट में आएगा लिखित। ये चैप्टर आपका रीड हो चुका है, इसीलिए जस्ट मैं बुक वर्क करवा रही हूँ, लेकिन अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं होगा तो फिर से समझा दिया जाएगा, ओके। नेक्स्ट है टेलीफोन भाषा का डैश रूप है। टेलीफोन से हम क्या करते हैं, मुंह से बात करते हैं ना, मौखिक बात करते हैं, तो वो कौन सा रूप है, मौखिक रूप है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह। लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह क्या कहलाते हैं, उसको हम बोलते हैं लिपि। तो थर्ड में आएगा आपका लिपि, क्लियर। नेक्स्ट है व्याकरण हमें भाषा के डैश रूप का ज्ञान कराता है, शुद्ध रूप का। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं व्याकरण का, है ना। तो व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रांस के लोग फ्रेंच, ठीक है, और गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं। तो ये फिलअप्स आपने करने हैं, मैंने ये नंबरिंग राइट कर दी है, बहुत इजी से थे आपके, ये कर लेंगे आप। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आपने टिक या क्रॉस करना है, ठीक है। उर्दू भाषा की लिपि देवनागरी है, इज़ इट करेक्ट, नहीं ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषा की जो लिपि है उसको देवनागरी बोला जाता है, तो ये क्रॉस है। नेक्स्ट है हमारी राजभाषा हिंदी है, हाँ जी करेक्ट है। नेक्स्ट इज भाषा के तीन रूप होते हैं। भाषा के तीन रूप होते हैं, आप बुक के अकॉर्डिंग करोगे तो दो ही रूप हैं, ठीक है। भाषा के जो आपको बुक के अनुसार जो मैडम ने करवाया है उसमें आपको ये दो ही बातें बताई गई थी कि मौखिक और लिखित है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये दो ही दी गई थी, लेकिन हमारी एक सांकेतिक भाषा भी आती है। आपने ये दो भाषा की हैं, लेकिन एक सांकेतिक भाषा भी बोला जाता है, तो उसको हम यहाँ भाषा के तीन रूप को करेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ आपका तीन वाला जो है वो करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, हाँ जी ये भी हमने क्वेश्चन किया है, व्याकरण किसे कहते हैं, तो ये करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट है जब हम आपस में बात करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है, ठीक है। जब हम आपस में बोलकर एक दूसरे को अपने विचार बता रहे हैं तो वो मौखिक रूप ही कहलाता है, इसको भी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, निम्नलिखित स्थितियों में भाषा का कौन सा रूप प्रयोग होता है। तो कौन सा रूप प्रयोग किया जा रहा है, चर्चा के दौरान कौन सा किया जा रहा है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो कौन सी भाषा प्रयोग हो रही है, मौखिक, ठीक है। दूरदर्शन पर मींस टेलीविज़न पर, टीवी पर, मौखिक, वो भी आपको बोलकर विचार बता रहे हैं। नेक्स्ट है ट्रैफिक संचालन के दौरान, ट्रैफिक संचालन के दौरान आपने ट्रैफिक मैन देखा है, ट्रैफिक पुलिस, वो क्या कर रही होती है, वो मतलब इशारा कर रही होती है हैंड से, हैंड से आपको इंडिकेशन देती है कि आप रुकें या फिर जाएं, तो उसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा, ठीक है। जो इशारों से बताई जाती है, जो उन्होंने वहाँ कुछ बोल नहीं रहे हैं वो, लेकिन हमें एक इशारे से ये बताते हैं कि हमने वहाँ रुकना है या चलना है, तो उसको सांकेतिक रूप बोला जाता है भाषा का। और पत्र पत्रिकाओं में जो लिखा हुआ है या बुक में लिखा हुआ है, तो वो हमारा कौन सा रूप है, लिखित रूप है। नेक्स्ट हमें मैचिंग दिया हुआ है, बहुत ही ईजी, पीछे चैप्टर में किया है, सेम है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, उर्दू की लिपि फारसी, बांग्ला की लिपि बांग्ला, पंजाबी की लिपि गुरमुखी, ठीक है। ये आपको बहुत क्लियर, यहाँ पर आपको ये मैचिंग
दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है आपको, हेरा भाषा और लिपि जो हमने किया था, तो उसी के अनुसार आपको ये मैच करना है। और नेक्स्ट जो हमारा है करके देखिए, करके देखिए में क्या है, हाँ उससे पहले एक बात ये ले रहे हैं, जरा सोचिए तो, जरा सोचिए तो हमें क्या कहा है इसने, यदि आप बोल नहीं पाते तो अपने मन के भावों को दूसरों तक कैसे पहुंचाते हैं। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोग बोल नहीं पाते, या न्यूज़ चैनल पे भी ऐसे लोगों के लिए न्यूज़ आती हैं जो ना तो सुन पाते हैं और ना बोल पाते हैं, तो वो कैसे बात बताते हैं अपनी, संकेत से, है ना, सांकेतिक भाषा जो मैंने अभी बात की थी, तो वो इशारों से बताते हैं। अब लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अभी हमने क्या कहा था कि जो हमें लिखने के लिए चिन्ह बताते हैं कि इसको किस तरह से लिखा जाएगा, तब हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। अब हमारी जो मातृभाषा, मातृभाषा किसी की भी जो भी मातृभाषा है वे किस लिपि में लिखी जाती है, तो ये आपने ये देखना है कि जिसकी जो भी मातृभाषा है, मातृभाषा कोई भी जिसकी है, तो वो किस तरह से लिखते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट आपने ये देखना है, ये करके देखिए मींस इंटरनेट की सहायता से, आजकल तो सभी फ़ोन पर हैं, आप सभी फ़ोन से काम कर रहे हैं, तो ये आप खुद देखेंगे आज का ये टॉपिक, इंटरनेट की सहायता से किन्हीं 5 देशों की भाषा और मुद्राओं मींस करेंसी, ठीक है, 5 देश की वहाँ पर क्या, कौन सी भाषा बोली जाती है और कौन सी करेंसी यूज़ होती है। करेंसी मींस कि जहाँ जो पैसों का, रुपयों का, जो हमारे यहाँ रुपए है ना, अमेरिका में क्या है, डॉलर है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कौन सी करेंसी यूज़ की जाती है। तो आपने 5 देश की, देश के नाम लिखने हैं, भाषा लिखनी है और वहाँ की करेंसी बतानी है, ठीक है। आज का हमारा यही टॉपिक था, नेक्स्ट हम फिर नया लेसन भी रीड करेंगे, नया चैप्टर करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।